रैना साहब क्या कहेंगे, तो क्या कार्य आए हैं अभी जम्मू संवाद में, जो नतीजे आए हैं क्या कहेंगे सर? बीजेपी की 29 सीटें आई हैं और जो एनसीए वो आगे है। मुझे लगता है कि एक बार इधर आ जाओ, थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, इधर ऊपर आए, इधर सर, इधर नहीं नहीं इधर चलते हैं। हाँ हम चलो चलो ना एक मिनट अंदर ही आ जाओगे, अंदर अंदर हेलो जैसे ऊपर 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 हले नहीं ऊपर जो हले नहीं माइक वाले ऊपर सर एक कदम ऊपर हो जो सर एक मिनट सर एक स्टेप नहीं जाना यार नहीं 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 जा रहा है सर नीचे आओ माइक हले हर नीचे आओ ठीक है जल्दी तार फंस गई यार ये क्या करते हो यार ऐसे करो सारे देखना सामने जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों के जो परिणाम आए हैं यार अनिल तो क्या कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 29 असेंबली की सीटों पर शानदार जीत हासिल की है और अगर आप जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का वोट मत प्रतिशत देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में हासिल किए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का विशेषकर जम्मू संभाग की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता विशेषकर जम्मू रीजन की जनता का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब का और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में जबरदस्त यहां सभी का सहयोग रहा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो पिछले 10 साल में कार्य किए, जो माननीय गृह मंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली के लिए कार्य किया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं जम्मू कश्मीर में लाई और जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली बहाल हुई, ये उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल हुई। रविंदर जी, आपने जम्मू के लोगों को का धन्यवाद किया है, लेकिन आप नहीं मानते कि 6 से 7 जिले ऐसे हैं जो अब सरकार अगर एनसीए कांग्रेस की बनती है वो अनरिप्रेजेंटेड जाएंगे क्योंकि वहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया? भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में जो शानदार प्रदर्शन किया है उसमें विशेषकर जम्मू रीजन में करीब करीब क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं
जम्मू कश्मीर के साथ साथ विशेषकर जम्मू रीजन की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हाथ जोड़कर मैं जम्मू की जनता का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी को शानदार रविंदर जी उनको सरकार में तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगी नहीं क्योंकि सरकार एमसी कांग्रेस की है, ऐसे में नेगलेक्ट नहीं होंगे। चलिए अब चूंकि जम्मू रीजन से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लगभग सफाया हुआ है और विशेषकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट सांबा कठुआ उधमपुर रियासी डोडा किश्तवाड़ रामबन इन सभी क्षेत्रों में तो भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। अब जब सरकार का यहां गठन होगा तो जो सरकार सत्ता में आएगी वो किस प्रकार से ये समीकरण ये समन्वय आपस में बिठाते हैं वो देखना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो 42 सीटें मिली हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को रोकने में नाकामयाब रही, क्या लगता है वजह क्या रही? आपने बहुत काम किए उसके बावजूद भी कश्मीर में उतना वोट जो आप सोच रहे थे वो नहीं हो पाया। तू वहां पे ना देख रहा क्या है? कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ियो आ रहा है ने गुरेज बांडीपुरा और शोपियान अनंतनाग वेस्ट हब्बा कदल करना इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 3 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी 5 राउंड्स तक तो लीड कर रही थी कश्मीर में भी। मैं उम्मीद करता हूं जम्मू रीजन के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है। अब रजौरी पुंछ में 8 सीटों पर लगभग 2,00,000 से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसमें सुरनकोट बुद्धल थन्ना मंडी दरहाल मंजाकोट और मेंढर का इलाका शामिल है। ये वो क्षेत्र हैं जहां कभी भारतीय जनता पार्टी को चुनावों के लिए उम्मीदवार तक ढूंढने में दिक्कत आती थी। उन सभी क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अच्छा सपोर्ट किया है। हम वहां अधिक सीटें तो नहीं जीत पाए लेकिन हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी को लोगों का अच्छा सपोर्ट रजौरी पुंछ में भी मिला है। इसके लिए भी मैं वहां के लोगों का धन्यवाद करता हूं। राणा साहब आप अपनी सीट नहीं जीत पाए, कहां कमी रही? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार सारे जम्मू रीजन में शानदार जीत हासिल की है, मैं मतदाताओं का भी शुक्रिया अदा करता हूं, वोटर्स का, और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं। और शानदार जीत, ऐतिहासिक जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। हमें पूरा विश्वास था कि हम नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी शानदार अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, परंतु वहाँ जो भी कारण रहे होंगे उनकी यकीनन समीक्षा होगी। फिर भी मैं नौशहरा की बॉर्डर की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। 27,000 से ऊपर वोट्स भारतीय जनता पार्टी को नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले हैं। और जब 2014 में मैंने वहां से चुनाव लड़ा था और जीता था,
जो सुंदरबानी सब डिवीजन का बड़ा क्षेत्र है, डिलिमिटेशन के बाद चूंकि वो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बना और कालाकोट सुंदरबानी कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 20,000 के करीब वोटों से वो सीट जीती है। मैं फिर भी हृदय से नौशहरा के कार्यकर्ताओं का, नौशहरा की जनता का धन्यवाद करता हूं। यहां भारतीय जनता पार्टी को नौशहरा जो सेगमेंट है वहां 2014 में 17,000 वोट मिले थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में 27,000 वोट लिए और बहुत पहले से मत प्रतिशत बॉर्डर के एरिए का, विशेषकर नौशहरा वेस्टर्न एरिए में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अच्छा समर्थन दिया। मैं जिसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का और जनता का धन्यवाद करता हूं। सर, आपके रेजिग्नेशन के रूमर्स बड़े चल रहे थे कल से। देखिए, जैसा कि स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब ने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। ये अब तक का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का। सबसे ज़्यादा वोट शेयर जम्मू कश्मीर में 2024 के विधानसभा में अगर किसी पार्टी को मिला है वो भारतीय जनता पार्टी है। स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर बधाई दी है। स्वयं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मुझे फ़ोन आया और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की इस शानदार जीत के लिए हमें बधाई दी है। मैंने पिछले 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते पूरे जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने वरिष्ठ साथी सहयोगियों के साथ मिलकर पार्टी संगठन का शानदार विस्तार पूरे जम्मू कश्मीर में किया है। ये सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि रिकॉर्ड तोड़